तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं गरम पानी ऑन बाइक्स। हैंडल नहीं खुल रहा है, लॉक नहीं खुल रहा, मेरी बाइक का भी नहीं खुल रहा। मैंने चाबी भी चेंज कर ली बट फिर भी नहीं खुल रहा। खुल गया, थैंक यू। आइए, बोले ना पानी गीजर से भर के। टू ऑल द राइडर्स, कभी भी अगर ठंडी जगह पे लॉक अटक जाता है तो क्या करना है? सिर्फ गर्म पानी। पानी पानी हो गई, नहीं जा रहा अभी, जाएगा। रुको, ओ ओ, 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 क्या करना है? गर्म पानी यूज करना है और इसमें की होल में डालना है, ओपन हो जाएगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और मौसम है काफी ज्यादा बढ़िया, -6 अभी समय हो रहा है, बट ठंड नहीं लग रही। ट्राई करें जरा, स्टार्ट होती नहीं होती। जय बजरंगबली। खत्म, बाय बाय। धक्का मार मार के मेरी जिंदगी ऐसी कर दी तुमने। चलते हुए सही रहती। कल जब हम उस दिन स्नो में राइड कर रहे थे, रात को बंद हो गई थी। स्नो पे धक्का लगाया मैंने, लग जाती है। वीडियो से देखा मैंने, कल तो हो गई थी यार। नियर अबाउट 60,000 किलोमीटर तो चल चुकी है। कब से बोल रहा हूँ बैटरी और ले लो, बैटरी और ले लो। भाई क्या लग रहा है? बार -3 और यहाँ 3। भाई इसको हमें चेक कराना पड़ेगा एक बार। तो निकल रहे हैं, हेलमेट का स्ट्रैप लगा लो। ओके सर, बाय, नाइस मीटिंग यू। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का जो हमारा राइड है स्टार्ट हो चुका है। अभी थे हम ओल्ड मनाली में। वेलकम, स्टार्ट रोलिंग। फ्यूल डलवा लेते हैं, नहीं तो धक्का मारना पड़ जाएगा। एंड टू टैंक्स, मतलब दो भी नहीं, मतलब डेढ़ टैंक में हम दिल्ली से यहाँ पे पहुँच गए, विच इज़ क्लोज टू अराउंड 1500 to 1600 रुपीज़। एंड हिमालयन की जो माइलेज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये पैराग्लाइडिंग देख के ना मेरे को यार नेपाल की याद आ गई, वो पूरे ना गोल गोल घूम रहे ऐसे। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था यार पैराग्लाइडिंग का, पोखरा के अंदर मैंने करी थी। एंड यहाँ तो चलो फ्लायर्स कम है, 3-4 ही दिख रहे हैं, या हो सकता है अभी इस समय कम लोग कर रहे हो, थोड़ी देर बाद ज़्यादा आ जाते हो। बट नेपाल में पोखरा के अंदर स्काई में ना इतने सारे पैराग्लाइडर्स होते हैं कि गिनने मुश्किल, मतलब 100 तो मैं आम बात कर रहा हूँ। मेरी आप वीडियो देखना, आई बटन में कोशिश करूँगा लिंक देने की। अच्छा, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है वहाँ पे। एंड जो व्यू मिलता है ना ऊपर से, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो अभी तो हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मंडी। ये ट्रिप सिर्फ 3 दिन का था। हम वो पीछे था, कट पीछे छोड़ दिया हमने। अब देख लेते हैं, पर ये हम इस रास्ते से आए नहीं रात को उस दिन। एग्जॉस्ट नोट एक हमारी गाड़ी का और सुल्तान का, दोनों ही जबरदस्त है। गलती से ना वो बजौरा वाला कट हमने मिस कर दिया और थोड़ा बातों बातों में थोड़ा स्पीड में आगे निकल गए। तो ये है अभी एक्चुअल हाईवे का हाल, धूल मिट्टी ऐसा लग रहा है। पता नहीं कितने महीनों से राइड कर रहे हैं, इन राइडिंग गियर्स में लग ही नहीं रहा कि 2-3 दिन हुए अभी घर से निकले हुए। ऐसा लग रहा है मंडी जाके फिर बाइक वॉश करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है कि मेरी बाइक ऐसे गंदी हो। बट गंदी होकर तो ज़्यादा अच्छी लगती है, बट ना जो वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स होते हैं ना, चेन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जो शॉकर के जो कवर्स होते हैं, अगर उसके अंदर डस्ट चल जाए तो शॉकर लीक होने का भी चांसेस होता है। तो जब से ये सब हुआ है ना मेरे साथ, तो थोड़ा मैंने केयर करनी चालू कर दी है। नहीं तो पहले तो मेरे को बाइक गंदी ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। बाकी एडवेंचर बाइक अगर गंदी ना हो तो मज़ा भी नहीं आता, बट समझ रहे हो ना। वी
मनाली से राइड स्टार्ट हुई थी और कहाँ के खत्म हुई है? करनाल। रास्ते में क्या हुआ? आपने पार्क देखा होगा, पैराग्लाइडिंग के बारे में बात कर रहा था, ब्लॉग बीच में करा ही नहीं। और उसके बाद तो कब रात हुई और रात से कब हम दिल्ली के पास पहुँच गए कुछ पता ही नहीं चला। वेरी ट्रू। उधर छोड़ दो ना यार, वो खाट ढूंढ रहे हैं। ले भाई हम डाल देते हैं, छोटा भाई डालना पड़ेगा। बाय बाय बाय, मैं तो चला। ठीक है ओके बाय।